यहाँ पे बस चाय पकौड़ो की कमी लग रही है, बाकी सब कुछ सेट है। मास्क भी पहन रहे। ठंड लग रही है भाई, इतनी ठंड थोड़ी है यार। भाई तू आयरलैंड से है, हम कैलिफोर्निया से है। तो सुबह से बोल रही थी नहीं जाना, नहीं तेरे को नहीं जाना था। ये व्यू मैंने तो बोलता एक बार सोच लो अच्छे से कि जाना है कि नहीं जाना। वी ड्रोव three days टू कम हियर। अब दोस्तों हम आपस में छोटी स्नो फाइट कर रहे हैं। रूल्स हैं, एक रूल है कि फेस पे नहीं मारना बस, ठीक है, ठीक। बाकी किसी को भी मारो। चलो करें स्टार्ट। 1, 2, 3 All my friends are toxic, all my condition is so rude and always negative. I need new friends, but it's not that quick. आज का दोस्तों व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं बर्फ में। अभी हम ग्रैंड कैनियन में आए हुए हैं, जो यूएस की सबसे कोल्डेस्ट प्लेसेस में से एक है। और यहाँ की खास बात यह है, यहाँ पे पानी भी अगर आप बाहर लेके आओगे उसे तो वो जम जाता है। क्या बात कर रहे हैं। और आज वैसे दोस्तों टेम्परेचर -20 के अराउंड है, जो कि मतलब बहुत कम माना जाता है यूएस के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी। और आप देख सकते हैं मोस्ट लोग टोपी वगैरह पहन के चल रहे हैं, हैवी जैकेट्स पहन रखी है। बट क्योंकि मैं आयरलैंड में रहता हूँ तो मुझे आई थिंक माइनस में इतनी तो आती नहीं है, बट जीरो के अराउंड तो हमेशा ही वहाँ पे रहता ही है सर्दियों में स्पेशली, तो इतनी मुझे ठंड नहीं लग रही। आप सर्दी से डरते हो? मैं सर्दी से डरता नहीं हूँ। और अभी दोस्तों यहाँ विजिटर सेंटर है एक, वहाँ पर पता करने जा रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पे घूमने को है, क्योंकि ये भी भाई पहली बार आ रहा है। और वैसे ये जो ग्रैंड कैनियन है, पता क्यों फेमस क्यों है, ये पॉपुलर क्यों है? ग्रैंड कैनियन मतलब कि वो जो कैनियंस है यहाँ पे वो बहुत ही ग्रैंड व्यू है। और कैनियंस मतलब घाटी। हाँ, और जो व्यू आता है वो इतना ओवरवेलमिंग है, इतना कलरफुल है। भाई शाबाश है, तूने कह दिया और हम यकीन कर ले। हालांकि यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल घाटियां हैं, बट क्योंकि धुंध इतनी हो रही है, बर्फ इतनी हो रही है, कुछ व्यू नहीं आ रहा यहाँ से। गर्मियों में हम आते, थोड़ी भी धूप वगैरह होती तो व्यू बहुत बढ़िया दिखता है। तूने क्यों प्लान किया जब यहाँ पे कुछ दिखी नहीं रहा व्यू हमें? मैंने नहीं करा ये, इन्होंने करा ये पुलकित। भाई मेरी गलती है। मेरी गलती है। तो सुबह से बोल रही थी नहीं जाना, नहीं तेरे को नहीं जाना था। ये व्यू मैंने तो बोलता एक बार सोच लो अच्छे से। क्या सोच है रे तेरी? अब कैमरे मुकर रही है ये। बकवास, 4 घंटे ट्रैवल करके लाया ये व्यू देखने के लिए बस। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। ये मेरे मास्टर जी है, वैसे पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा इन्हें। आपको मजा आ रहा है यहाँ पे? बहुत मजा आ रहा है। हमने तो वहाँ कुल्लू मनाली जैसे देखी थी, कुल्लू मनाली वाली फील आ रही है। उससे भी बढ़िया फील है यहाँ, उससे साफ है ना, ये साफ है। यहाँ पे बस चाय पकौड़ो की कमी लग रही है, बाकी सब कुछ सेट है। थोड़ी ठंडी बियर भी मिल जाए बस। जो हम व्यू देखने आए थे हम यहाँ पे, बहुत बढ़िया व्यू आता है, बट मैं देख नहीं पाए। आपको ऐसे कितने दिन हो गए ये? मेरे से पहले आए थे यहाँ पे। मेरे को यहाँ हफ्ता हो गया पूरा, 8 दिन हो गए हैं। बर्फ तो नहीं देखी ना? बर्फ नहीं देखी, बर्फ तो इसी रूट पे दिखी हमारे को। अभी तक का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा ट्रिप का? यही बहुत यही बेस्ट पार्ट है। ये हालांकि व्यू नहीं देखा हमने, बट ओवरऑल जो यहाँ पे सीनरी है, लोकेशन है, वो बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है। मास्क भी पहन रहे। ठंड लग रही है भाई, इतनी ठंड थोड़ी है यार। तू आयरलैंड से है, हम कैलिफोर्निया से है, बट तुम भी तो पहले आ चुके हो इसमें। इतनी ठंड में नहीं आए भाई, नवंबर में आए थे, अभी तो बहुत ठंड हो गई। मुझे छोड़ के सभी लोग टोपी भी पहनी हुई है, मफलर पहना हुआ है। वरना तेरे को डर नहीं लगता? ये दोस्तों सबसे आइकॉनिक पॉइंट है यहाँ का, ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क। तो सबकी यहाँ पे भी बारी बारी फोटो ली जा रही है। बूढ़े भी कांप रहे हैं, जवान भी कांप रहे हैं। मैं निकावरा देख लो, देखो पूरा कांप रहा है, ग्लव्स डाले हुए हैं, पूरा मैं निकावरा। आवाज तुम्हारी कांप रही है? नहीं नहीं, ये फंस गया सी है। आ जाओ यहाँ पे खिंचवाएंगे भाई फोटो। ये इन्होंने बनाया हुआ स्नोमैन, कांपते हुए कदमों से चल रहे हैं। यहाँ फिसलन है बहुत। नेहा अग्गी पकड़ के लेके जा रहा ना बेटे, अंकुर अग्गी के साथ आपको मेंटेन करना। आराम से आओ, ये बहुत फिसलन है, बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग गिर रहे हैं। मेरे सामने अभी 4 लोग गिरे, काम खुद भी गिरे। यहाँ से दोस्तों फिर भी थोड़ा बहुत तो व्यू आ रहा है, कुछ तो दिख रहा है। वहाँ ऊपर तो भाई सिर्फ धुंध दिख रही थी। He's a YouTuber as well. How's it going? What's your name? Carl, Santos Chronicles. All right. So we're a family travel vlog that goes around to show great views good. Such as the Grand Canyon. Where are you from, by the way? I'm from Illinois. So you're we drove. USA, yeah, so we drove. You drove 4 hours. We drove 3 days. 3 days to come here. Yes. And you didn't see the view. We saw some rocks, but there's not much of you. I feel better comparing to his situation. We traveled 4 hours. Oh my gosh. But still, it's better than 3 days. Usually, it's a 2-day drive. It took us 3 because we stopped everywhere. We went to Kansas City. Yeah. We went to Albuquerque. Then we came here. So we're just taking a look. How long are you going to stay here after 3 days drive? 30 minutes. We're finally going to head out. But 30 you know, minutes. But the thing is, we're experiencing different places, right? Yeah. So we might try to go to Oatman right. on Route 66. So there's donkeys there.
it's experience. Now it's my kids, now yeah. my kids can say they got over here. Yeah, yeah, that's good. we can see something. It's not that great, but we can see some things here. So, like I was telling, you know, in our channels, like I didn't think of this. Check out what the visibility is yeah. and the fog before coming here. We should always check it. And it's first time I have met a vlogger in America. So usually yeah. when we travel, we try to visit other. As we go to different states, I have a community of other YouTubers that I kind of All visit right. each place we go to. वो बंदा भाई तीन दिन travel करके आया था और कहता कि आधे घंटे में यहाँ से निकल रहा हूँ. तो बहुत लोगों का कटा है, सिर्फ हमारा नहीं कटा यहाँ पे. अब दोस्तों हम आपस में छोटी snow fight कर रहे हैं. Rules हैं, एक rule है कि face पे नहीं मारना बस. ठीक है, ठीक. बाकी किसी को भी मारो. चलो करें स्टार्ट. किसी को मारो. One, two, three. सारे मेरे को. ये तो चीटिंग हो गई. यूट्यूबर को मारो. यूट्यूबर को मारो. ये तो चीटिंग कर रहे हैं. देखो आज चार लोग मिलके मुझे मार रहे हैं. मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो. तो अब दोस्तों बस हम निकल रहे हैं यहाँ से. हम खाने पीने का ही बहुत लाए थे, वो हम गाड़ी में बैठ के खाएंगे क्योंकि भाई बाहर किसी की ताकत नहीं है. बस हवा निकल गई. ऊपर किसी ने डालनी है तो डाल लो. ये अंगूर को दे दो. नहीं आप खाओ पहले, आप खाओ, मैं खाता हूँ. कॉफी तो भी आ रही है ना. ये क्या पुलाव है? वेजिटेबल पुलाव. वेजिटेबल पुलाव है. इसके ऊपर क्या डाला है आपने? भुजिया. भुजिया डाली हुई है. पूरे भाई देसी तरीके से हम खा रहे हैं यहाँ पे. अभी मेरी बहन गई है स्टारबक्स पे, वो सबके लिए कॉफ़ी लेने गई है क्योंकि मैं. तो दोस्तों हमारी कॉफ़ी भी आ गई है, बनाना ब्रेड भी आ गई है, पुलाव भी तैयार हो गया. तो हम बैठ के भाई आराम से खाना पीना करेंगे अब. और इसके बाद दोस्तों बस अपने घर की तरफ निकलेंगे हम, क्योंकि भाई सुबह 5 बजे के उठे पड़े हैं और अब शाम के 6 बज चुके हैं और हम 3-4 घंटे दूर हैं अपने घर से. तो इसलिए इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं. आई होप आपको ये व्लॉग बढ़िया लगा होगा. अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें. मिलते हैं आपसे अगली बार. तब तक के लिए टेक केयर.